नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में कांग्रेस की महिला नेत्री विद्या देवी कौरव ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। एसपी को ज्ञापन देते हुए विद्या देवी ने आरोप लगाया कि मुरार टीआई ने उनके साथ अभद्रता की है। मुरार की मछली मंडी में जुआ खेला जाता है और नशेड़ी दिन भर वहाँ बैठकर शराब पीते हैं। जब इस बात की शिकायत थाना प्रभारी अजय पवार से की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की जगह उनसे ही अपशब्द कहते हुए थाने से चलता कर दिया। एसपी डॉक्टर आशीष ने विद्या देवी की शिकायत पर मामले की जांच करने का आदेश दिया है। मुरार मछली मंडी में 24 घंटा जुआ का डर लगा रहता है। शराब वहाँ दर्जन लोग बैठ करके शराब पीते हैं। महिलाओं का सब्जी मंडी में आना जाना बड़ा दुर्लभ हो गया। इस शिकायत लेकर हमने एसपी साहब ने कबूल भी किया कि हमारे पास भी आएंगे। यही शिकायत लेकर के हम टीआई के पास आए। टीआई बोले आवेदन लिख के दे दो। हमने जब आवेदन लिख के दिया, हमने कहा सर दीवान को दे दो। बोले नहीं मुझे दीजिए। जब हम इनको देने लगे तो वो अभद्रता करने लगे। देख लो नेताओं को तो कोई काम नहीं रहता। नेता तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, नेता तो चले जाते हैं, नेतागिरी करते रहते हैं। ये तुम्हारा मैटर है, ये मेरा काम है। तो मैंने कहा सर शिकायत करना तो हमारा भी काम है और हम आपसे कई बार शिकायत कर रहे हैं। एसपी साहब से भी शिकायत करते रहे और आपने कहा आवेदन दे दो। आपने कागज दिया, आवेदन दे दो और आवेदन लेने से भड़क रहे हैं। तो अभद्रता करने लगे, मतलब इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि एक राजनीतिक के लिए ठीक नहीं है। और सब नेताओं को मिला करके किया। नेताओं को तो यही काम रहता है, नेता तो कुछ करते ही नहीं है, नेता तो इसी की रहती है, फिर उसको काम नहीं करना। इस तरीके से एक कांग्रेस की सक्रिय नेता है, मैडम का कहना था कि थाना प्रभारी मुरार द्वारा अभद्रता किया गया उनके साथ। ये शिकायत में मैं जांच के लिए भेज रहा हूँ और जांच के बाद आगे कार्रवाई करूँ। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।